बुरहानपुर में साल 2022 में अन्य वर्षों की तुलना में आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने इस बात की जानकारी दी है। बुरहानपुर जिले में कई बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन की सतर्कता के चलते आरोपियों को चंद घंटों में सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के मार्गदर्शन में जिले में आपराधिक घटनाओं में कमी तथा अपराधों पर लगाम कसी गई है। बात करें जिले में पिछले सालों में हुए आपराधिक आंकड़ों की, तो साल 2020 और 2021 की तुलना में 2022 में कई मामलों में कमी देखने को मिली है। साथ ही अपराधियों की धर पकड़ कर उन्हें जेल भी भेजा गया। साल 2022 के आपराधिक गतिविधियों की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने बताया कि इन अपराधों में काफी कमी आई है और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार अपराधियों पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। टोटल अपराध अगर देखें तो उसमें कमी आई है 2022 में, और दूसरा जो हीनियस अपराध है जिसके अंदर हत्या और हत्या के प्रयास के मामले हैं, जो उसके अंदर कुछ परसेंटेज के अंदर 1% या 4-5 मामले जो बढ़े हुए हैं, तो अगर उसको एनालाइज करेंगे तो कुछ ना कुछ जो है ये पारिवारिक विवादों में कभी कभी या कभी कभी जो है वो देन देन और जमीन के मामलों को लेकर जो है वो इस तरीके के घटनाक्रम हुए हैं। मगर एक चीज अच्छी रही है कि उसके अंदर हम लोगों ने तत्परता से सारे के सारे मामलों को सुलझाया भी है और सभी के सभी लोगों की गिरफ्तारी भी की।